जब महिला के अत्याचार के ऊपर चुनाव हुआ, ये चुनाव नहीं है, ये भी महिला लोगों का एक अत्याचार का एक पिक्चर सामने आया। बहुत सारा घटना महिला के ऊपर घटती है। लास्ट 12 साल में आप देखिए तो ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बार बार महिला के ऊपर घटना घटती है। इस पंचायत चुनाव में 8 जुलाई डे ऑफ इलेक्शन पांचला में एक महिला कैंडिडेट था ग्राम सभा का, उसको बूथ के अंदर जाके उसको मतलब FIR भी किए हैं, बूथ के अंदर जाके उसको विवस्त्र करके उसको सामने उसको प्राइवेट पार्ट में उसको टच करके ये सब बदतमीजी किया। अब डोमजूर में 11 जुलाई काउंटिंग के दिन एक तृणमूल का कैंडिडेट, मैं बोलना चाहती हूं महिला है और TMC का ही कैंडिडेट है, काउंटिंग के रूम के अंदर में जाके उसको मतलब इतना उसका अत्याचार किया। उन्होंने भी खुद मीना जाना, उन्होंने भी खुद FIR किया डोमजूर से। आप देख रहे हैं कि वहां का कुछ वीडियो नहीं है, वीडियो वायरल नहीं हुआ, कोई वहां पे जाके ऐसा वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे तो गन लेकर सब काउंटिंग रूम में चला गया ना, सब गन लेके बम लेके गया, महिला को सामने खड़ा करके उसको बंदूक देके सर पे बंदूक लगा के उसको नेकेट किया, उसका अत्याचार किया। तो उसका कोई जांच नहीं होगा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कालियागंज में पंचायत चुनाव के पहले एक महिला, एक दलित महिला, राजवंशी महिला को उसको अत्याचार करके उसको खून कर दिया, उसको खींचते खींचते पुलिस लेके जा रहे हैं, वो भी वीडियो आपके सामने आए हैं। ये वीडियो जब वायरल होता है तब हम लोग बात करेंगे। अभी कांग्रेस का, कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए है, इंडिया नाम से भारत का नाम दिया, इंडिया दिया। क्या सोनिया गांधी क्यों चुप है, प्रियंका गांधी क्यों चुप है? क्योंकि ममता बनर्जी को साथ उन्होंने दिया है। बाकी प्रदेश में जाके ये लोग रोते हैं लेकिन बंगाल में जाके ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अजीत चौधरी जी है, उनको एक बार पूछ ले कि बंगाल में उनका क्षेत्र मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ है। एक के बाद एक घटना घट रही है लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटी और लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है, पश्चिम बंगाल बाहर नहीं।